वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लासेस में अभी तक हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट्स को समझ चुके हैं, और आज की क्लासेस में हम कंपाउंड इंटरेस्ट कंटिन्यूअसली को बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि टाइम के हर एक मोमेंट पे कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। तो इस सिचुएशन में जब भी कभी भी आपको कंटिन्यूअसली अगर आपके पास में कभी भी ये वर्ड देखने को मिल जाए, तो वहां अमाउंट का फॉर्मूला आप यही लिखेंगे। एस भी अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, ए से भी आप बोल सकते हैं पी ई रेस टू पावर आर टी। आप यहां पर ये अमाउंट का फॉर्मूला आप यही एक्सप्रेस करेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला आप यहां पर यही लगाएंगे। एक एग्जांपल से कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं जरा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट होता है। अ परसेंट डिपॉजिट इन अ 5000 इन अ बैंक, तो आपके पास में प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल आपका 5000 रुपीज है। इन अ बैंक विच पेज द इंटरेस्ट 11%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास में 11% है, जिसको डेसिमल में आप ले सकते हैं 0.11 पर एनम कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली। वर्ड आ गया ना, हाउ मच अमाउंट विल बी इज द अमाउंट आफ्टर 10 years, तो यहां पर टाइम आपको दिया हुआ है 10 years, तो टाइम 10 years दिया तो आपके पास में एनुअली चार्जेबल है, तो आपका 10 times आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा। बट कॉन्टिन्यूसली वर्ड आ गया तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे आप अमाउंट का, तो अमाउंट का फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो अमाउंट इक्वल्स टू पी ई रेस टू पावर आर टी। तो अमाउंट इक्वल्स टू पी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपका 5000 है, ई रेस टू पावर आर इंटू टी, तो आर आपके पास में दिस वन और टी आपके पास में है 10, तो एस इक्वल्स टू क्या है आपके पास में 5000 एंड ई रेस टू पावर 1.1। अब समस्या आपके लिए कुछ भी नहीं है, समस्या ये है कि यार ये जो ई रेस टू पावर ये क्या चीज है, ये प्रॉब्लम है कि ये कैसे हम सॉल्व करें। तो बच्चे सिंपल सी बात है कि आपके कभी भी एक पावर आपके पास में ऊपर आ रहा है, इसको आपके लिए सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो आप खैर ई का भी अपना एक टेबल होता है, बट एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम में ई का टेबल आपको नहीं मिलेगा, एग्जाम में सिर्फ लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल मिलता है आपको, तो ये नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप उस पर डिपेंडेंट मत रहिएगा, आपको निकालना आना चाहिए। कैसे निकालते हैं वो समझ लीजिए। आप क्या करें, अपने अपने हिसाब से एक तरफ तो लॉग नहीं ले सकते, बोथ साइड लेना पड़ेगा, बोथ साइड टेकिंग लॉग। अब बोथ साइड लॉग लेंगे तो आपके पास में इधर भी लॉग एस इक्वल्स टू आ जाएगा, और यहां पर अगर आप लॉग लेंगे तो लॉग, दो चीजें हो रही हैं यहां पर अंदर, दोनों चीजों के लिए लॉग लिया आपने 5000 और ई रेस टू पावर 1.1, ध्यान रखिएगा आप इस बात का। तो क्या रहेगा आपका लॉग एक्स, लॉग एस इक्वल्स टू, अब दो चीजें जब आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा लॉग ए इंटू बी, बेसिकली क्या होता है ये होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और ये बात भी ध्यान रखिएगा लॉग ए अपॉन बी क्या होता है आपका, ये होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, ये दो बेसिक कैलकुलेशन, और इसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ने की जरूरत है, बस ये दोनों बात ध्यान रखिएगा आप। तो आपके पास में बेसिकली क्या रहेगा, लॉग 5000 प्लस ये लॉग आपसे मल्टीप्लाई होगा ना, इसके लॉग ई के इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये 1.1। लॉग क्या करता है, पावर को नीचे उतार देता है, लॉग पावर को नहीं टॉलरेट करता है, पावर को सीधा बोलता है आ जाओ नीचे आ जाओ भाई, तो जैसे ही लॉग गया पावर को उसने नीचे उतार दिया। अब आपके पास हमेशा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो लॉग ई तो आपको फेस करना ही पड़ेगा, तो लॉग एस इक्वल्स टू लॉग 5000 की वैल्यू ऑलरेडी आप अपने लॉग टेबल से देख सकते हैं। कल यार ये लॉग टेबल देखने में किताब पूरा उठाना पड़ता है, कल से प्रिंट आउट पहले था मिसप्लेस हो गया, प्रिंट आउट लेकर आऊंगा तो उसको ईजी रहेगा मेरे लिए। हाँ जी, लॉग 5000, तो 5000 ऐसे नहीं दिखता आपका, 50 पे जीरो देखो आप बस, तो लॉग 50 पे जीरो, 50 पे जीरो पॉइंट, जीरो पॉइंट पॉइंट 6990, 50 पे जीरो, और ये कितने डिजिट है आपके पास में, 1 2 3 4 डिजिट है, मतलब कि तो 4 डिजिट है, तो इसमें से एक माइनस कर दो तो क्या देगा 3। लॉग टेबल दिखाना देखना सिखाया था ना आपको, 4 डिजिट है तो आप डेसिमल के बाद वाला डिजिट काउंट नहीं करते, डेसिमल से पहले, तो डेसिमल तो है नहीं, तो टोटल 4 डिजिट है आपके पास में,
प्लस 1.1 लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है? लॉग ई की वैल्यू हमेशा फिक्स है, ये याद कर लीजिएगा, 0.4343, ये ध्यान रखिएगा। तो 0.4343 सॉल्व करेंगे, लॉग एस अमाउंट इक्वल्स टू 3.6990 प्लस 0.4343। कमेंट करिए बच्चे अपने आंसर वगैरह को, जो भी आप साथ कर रहे हो, आप लोग बहुत समझदार बच्चे हैं। वन पॉइंट वन मल्टीप्लाई बाय 0.4343। जीरो पॉइंट फोर सेवन डबल सेवन थ्री लॉग एस इक्वल्स टू 3.6990 4.17673 ये आ गया। अब आपके पास में लॉग एस है, आपका अमाउंट चाहिए ना बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा। क्या कह रहे हैं आप? क्लियर है? अब आपके पास में क्या आएगा, जो है 17673। अब एंटी लॉक की वैल्यू निकालेंगे, तो एंटी लॉक देखना सिखाया बच्चे, पहले एक वीडियो देख लीजिएगा, हाउ टू सी लॉग एंड एंटी लॉक टेबल। तो उसमें मैंने आपको अच्छे से क्लैरिटी के साथ में बहुत सारे एग्जांपल ले लेके बस सिर्फ यही सिखाया कि लॉग टेबल कैसे देखते हैं, एंटी लॉक टेबल कैसे देखते हैं, अलग अलग सिचुएशन में डाल करके बताया मैंने आपको, एक बार देख लीजिएगा। और अभी भी साथ साथ हम उसको कर ही रहे हैं, एंटी लॉक टेबल। एंटी लॉक टेबल है बच्चे, पॉइंट के बाद देखते हैं, तो 17, 6, 7 देखना है हमें बेसिकली। तो 17 पे 6, 1500 और उस पे फिर 7, 2। तो बेसिकली क्या है हमारे पास में, 15, 0, 2 और 4 है ना, 4 है तो इसमें 1 प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा, 5 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तो 1, 2, 3, 4 दिस वन। तो आपके पास अमाउंट कितना आ गया, 15,020। तो इस एंटीलॉग में हमें डेसिमल डिसाइड करना होता है, डेसिमल कितना आ जाएगा, तो पॉइंट से पहले जो नंबर उसमें 1 प्लस कर दो, उतने डिजिट के बाद आपके पास में पॉइंट आएगा। क्लियर है बच्चे? हाँ, वेरी गुड। ये रघु कॉलेज वाले बच्चों के नाम भी बड़े यूनिक होते हैं, है ना? सोल वाले बच्चे भी आप सब तो के नाम यूनिक रहते हैं, बट रेगुलर वाले के नाम बड़े यूनिक होते हैं। समझ में आ गया बच्चे? अब कैसे करते हैं, अगला क्वेश्चन फिर करके दिखाओ। आप ईयरली भी बता, आपके पास में था नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट कोस्ट द 15 रुपीज एंड रिलाइज द 20 रुपीज आफ्टर 10 ईयर्स, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्वॉल्व्ड व्हेन इट द एडेड ईयरली एंड कॉन्टिन्यूसली। तो आपके पास पे क्या है, यहाँ पर आ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कोस्ट आपके पास में 15 रुपए है एंड रिलाइजेस 20 रुपीज आफ्टर 10 ईयर्स, फाइंड द रेशियो ऑफ द इंटरेस्ट इन्वॉल्व्ड व्हेन इट द एडेड एलियन कॉन्टिन्यूसली। चलिए करें जरा इसको। सामर्थ अग्रवाल, नाम बड़ा प्यारा है आपका, सामर्थ बहुत अच्छा नाम है। हाँ जी, और जैसा नाम है वैसा आपका काम भी है, आपका आंसर बिल्कुल सही आया है। चलिए बच्चे देखते हैं जरा क्वेश्चन, अ नेशनल
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कास्ट, मतलब कि जो 15 रुपए आपने लगाए यार, साधारण सी बात है, क्या उसमें घुसना कि नेशनल सर्टिफिकेट कास्ट क्या होता है, कॉस्ट क्या होता है? आपको 15 रुपए लगाए एज अमाउंट, बाद में आपने उसको कितने रुपए रियलाइज कर लिया, 20 रुपीज कर लिया, और विद टाइम आपका लगा है 10 ईयर्स, तो एनुअली है, तो आपके पास में 10 टाइम्स आप आओगे यहाँ पर। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ठीक है भैया, कंपाउंडेड एनुअली आपसे कह रहा है, तो उसका फॉर्म लगाते हैं, एस इक्वल्स टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर, वन प्लस आर बाय 100 रेज टू पावर एन। अमाउंट आपके पास में ऑलरेडी है 20, प्रिंसिपल हमारे पास में 15, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास में आपको फाइंड करना है भैया, यही तो आपके लिए चैलेंज है, और आपके पास में एन। सॉल्व करेंगे तो आपके पास 15 नीचे आएगा, तो 4, ये 4/3 हो जाएगा ना, डिवाइड करेंगे तो देख लो बच्चे 20। बच्चे मैं अभी भी आपसे एक बात सही बच्चों से कह रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए, जिनकी भी मैथ्स वीक है, जिनकी भी गणित कमजोर है, जो अभी तक कुछ भी नहीं कर रहे हैं या फिर अभी तक कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि कंफ्यूज है कहां से शुरू करें और कैसे करें, भाई साहब मैं आपके लिए 7:30 बजे से 7 बजे से आसपास 8:30 बजे तक फ्री रहता हूं बच्चे, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, वो टाइम मैंने सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के कॉल को पिक करने के लिए रखा हुआ है। आप कुछ डाउट्स व्हाट्सएप पे ही भेजते हैं जिसका रिप्लाई आपको शायद अभी नहीं भी मिल रहा होगा, तो इसलिए नहीं मिल रहा है, बट फिर भी आप मुझे कॉल कर लीजिए। रिपीट करता हूं, शाम को 7 से लेकर के 8:30 बजे ये 1.5 घंटा मैं सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के कॉल को पिक करने के लिए रखा हुआ है, इससे मेरा कोई और काम नहीं होता है, सिर्फ आपके कॉल के लिए ही मेरे पास में ये टाइम मैंने निकाल लिया है शाम का। मॉर्निंग में रिप्लाई और रिस्पॉन्स इसलिए नहीं कर पाता हूं भाई, मैं बाकी क्लासेस में होता हूं, तो बाकी क्लासेस में होता हूं तो फिर वो मैसेज अगर सीन भी हो जाता तब भी रिप्लाई करने का टाइम नहीं मिल पाता, तो बट शाम को कॉल करेंगे। बहुत सारे सवाल आपके मन में होते हैं, सर कहां से शुरू करें, कैसे करें, कितने आवर्स पढ़ें, तो बहुत सारी आपके मन में बातें होती हैं, वो सब आप मुझसे कर सकते हो, ठीक है। इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू पावर आपके पास में एन, और एप्लीकेशन पे मेरा नंबर आपके पास में है, सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सारी गाइडेंस मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, अभी भी सही से पढ़ोगे पास हो जाओगे। जो बच्चे की मैथ 0 है मैं उसकी बात कर रहा हूं। वन प्लस आर बाय 100 और 10 आप इसको सॉल्व करेंगे तो भैया पावर को कैसे उतारें, ये पावर आएगा तो ये 1/10 हो जाएगा। खैर मैं पावर इनवर्स पावर सॉल्व करना मैंने सिखा रखा है बच्चे, हाँ 1/10 पावर कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए फिर कभी बताएंगे, आज तो पहले लॉग टेबल जो सिखाए उससे सीख लीजिए, फिर आपको कल की क्लास बता दूंगा कि भैया इनवर्स पावर। वैसे तो देखिएगा मैं आपको बता देता हूँ, 4/5 है ना, पावर को अगर इधर लिखा होगा तो 1/10 हो जाएगा, 1 प्लस आर बाय 100 हो जाएगा। तो अब ये इनवर्स पावर कैसे सॉल्व होता है, ये कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बट इसके मार्क्स पॉसिबिलिटी से कट जाए, ये लॉग से करना पड़ता है आपको, बट फिर भी मैं कैलकुलेटर से निकालना आपको डायरेक्ट सिखा दूंगा कि आप किस तरीके से निकालेंगे। हाँ जी, तो 4/5 पहले जो प्रोसेस है एग्जाम का उसको फॉलो कीजिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो सॉल्व करेंगे आप लॉग 4/5 और लॉग जैसे ही लगाओगे तो 10 नीचे आ जाएगा, लॉग 1 प्लस आर बाय 100 सॉल्व करेंगे तो ये डिवाइड मत करना बच्चे, मैंने भी सिखाया था लॉग 4 माइनस लॉग 5 हो जाएगा ना, क्या सिखाया था, लॉग ए अपॉन बी लॉग ए माइनस बी 10 लॉग 1 प्लस, आप इसको कर दीजिए लॉग 1 प्लस आर बाय 100, 10 कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, चलिए लॉग 4। आप बोलेंगे सर लॉग 4 की वैल्यू कैसे निकाले, कम से कम 3 डिजिट होना चाहिए, तो कोई बात नहीं, पॉइंट का 2 जीरो आप ऐसे ले लो, इसको ऐसे ले सकते हो आप लॉग 1 प्लस आर बाय 100 लॉग 4 की वैल्यू। चलिए फिर से चलते हैं लॉग टेबल पे, मैं क्या 3/4 कर दिया था क्या, कहां पे, ओ 4/5 कर दिया मैंने गलती से, 4/3
पांच 20, 5 से 15, ठीक है। हाँ जी, सॉल्व करेंगे तो लॉग 4 की वैल्यू, लॉग टेबल में लॉग 4, 4 मत देखिए इसको, आप इसको देखिए 40 पे 0, सीधी सी बात है। तो 40 पे 0, तो 40 पे 0 देखेंगे आप 0.6021। क्लियर है बच्चे? तो यहां पॉइंट से पहले क्या आएगा, एक डिजिट है तो इसमें से एक माइनस कर देते हैं। क्लियर है बच्चे? तो आपके पास में 3 0, सॉरी एक डिजिट एक माइनस कर देंगे तो 0, डिजिट पे फोकस करते हैं, 0 आएगा। क्लियर है? और आगे देखना आपको लॉग 30 की वैल्यू, लॉग 30 की वैल्यू 0 पे, तो 0.47 माइनस 4771 अपॉन 10 इक्वल्स टू लॉग 1 प्लस आर बाय 100। चलिए सॉल्व करेंगे इसको। लास्ट ईयर बच्चों की मजे इसलिए हो गए थे क्योंकि जो क्वेश्चन उनको बताया था और जो मैंने लास्ट टाइम पे करवाए थे ना, पेपर में पूरा उठ करके एज इट इज सेम आ गया था, वो क्वेश्चन चेंज भी नहीं हुआ, डिजिट तक चेंज नहीं हुआ, तो इसलिए लास्ट ईयर थोड़े से मोजा ही मोजा हो गया था। तो रिजल्ट क्या आएगा, 0.0125, और ये आप इसको एंटी लॉग बोल सकते हो क्योंकि ये लॉग जो है यहां आ जाएगा, तो एंटी लॉग हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाय 100। क्लियर है बच्चे? तो आपके पास में 01 पे 25 देखोगे आप। अब इसकी एंटीलॉग वैल्यू निकालेंगे आप। एंटीलॉग वैल्यू कैसे निकालते हैं भैया, सिखाए हैं आपको, चलिए देखते हैं हम यहां पर पॉइंट के बाद। 01 पे 25 एंटीलॉग, 01 पे 2, 01 पे 2 देखते हैं, 01 पे ये 2, 10 28, 01 पे 2, और फिर पांचवें नंबर पे जाते हैं मीन कॉलम में, पांचवें पर 1, 10 29, 1.029। क्या वैल्यू आई इसकी एंटी लॉक की वैल्यू, 10.29 ये वैल्यू आई। बट यहां पर पॉइंट से पहले क्या, 0 से 1 प्लस कर देंगे तो क्या आएगा, 0 में 1, तो ए डिजिट का पॉइंट लगेगा 1.29। अब आप आगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास है माइनस 1 और इनटू क्या हो जाएगा, 100 इक्वल्स टू आर, एंड आर इक्वल्स टू क्या जाएगा 0.0, क्या हो रहा है ये, पॉइंट बेस से सेलेक्ट हो गया था, 0.029 हो जाएगा ना, 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और इनटू 100, एंड आर इक्वल्स टू 2.9, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया आपका, ठीक है, परसेंटेज के फॉर्म में। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वाले केसेस के अंदर अगर मैं सेम क्वेश्चन की बात करूं, प्रिंसिपल 15 से 20 हो गया, प्रिंसिपल 15 है, एज अ अमाउंट आपका 20 हो गया और टाइम आपके पास में 10 साल है एंड कॉन्टिन्यूसली है, तो एस इक्वल्स टू पी ई रेज टू पावर आर टी, तो अमाउंट तो आपके पास में 20 रहेगा और प्रिंसिपल आपके पास में 15 रहेगा और ई रेज टू पावर आर आपके पास में है नहीं, टाइम आपके पास में 10 है। सॉल्व करेंगे तो आपके पास में 4/3 इक्वल्स टू ई रेज टू पावर 10 आर। आगे सॉल्व करेंगे, लॉग 4 माइनस लॉग 3 और इक्वल्स टू 10 आर लॉग ई। आगे सॉल्व करेंगे, लॉग 4 माइनस लॉग 3, वही सिमिलर प्रोसेस को अप्लाई करेंगे, लॉग मतलब कि 4 का मतलब क्या हो गया आपके पास में, लॉग 4 का मतलब ये लिख सकते हैं, 3 डिजिट तो चाहिए ना,
तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं लॉग थ्री को, एंड 10 आर लॉग ई, लॉग ई को 0.43 एंड 43 लिखते हैं, लॉग ई की वैल्यू याद कर लीजिए बस। सॉल्व करेंगे तो लॉग 4 मतलब कि 40 पे 0, तो लॉग 40 पे 0 देखेंगे अगर आप तो 61.61 और 30 पे देखेंगे आप तो 47.71 47.71 ठीक है। सॉल्व करेंगे इक्वल्स टू 10 आर, तो 10 आर करेंगे आप तो आर 10 मल्टीप्लाई आ जाएगा, सिंपल सी बात है, 4.343। आप आगे सॉल्व करेंगे तो इसको आप माइनस करेंगे0.6021 - 0.4771 - 0.125 / 4.343 = R। आगे सॉल्व करते हैं, डिवाइडेड बाय 4.343, R इक्वल्स टू 0.028 एंड आपके पास में ये डेसिमल में आपके पास में आ गया बट इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज क्या हो जाएगा 2.8। क्लियर है? समझ में आ गया बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली एट एन एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%, हाउ मेनी इयर्स टेक द फॉर अ प्रिंसिपल पी टू ट्रिपल, फाइंड योर आंसर टू द नियरेस्ट ईयर। करिए जरा, प्रिंसिपल पी मान लीजिए एज अमाउंट आपको 3p मान लीजिए, वो तो पी से पी तो एलिमिनेट ही हो जाएगा आपका। करें हाँ जी, चलिए देखिए जरा क्वेश्चन। इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली एट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इक्वल्स टू 7% जिसको आप 0.07 बोलेंगे, हाउ मेनी इयर्स टेक फॉर अस प्रिंसिपल पी, और आपके पास अमाउंट क्या हो गया, अमाउंट आपके पास में 3 times हो गया 3p to be triple, give your answer to the nearest year. So, और continuously है तो formula आपका लगेगा S equals to P e raised to power R T. S 3P, principal P and e raised to power R, rate of interest 0.07 and time, यही आपने निकालना है। तो P से P cancel हो गया, अब यहाँ पे आपका आएगा log 3 equals to 0.07 t into log e, क्योंकि log apply कर रहा है ना both side, तो log 30 की value क्या थी, log 30 की value है 4771 this one equals to 0.07 into t into log e 0.4343। आगे आप सॉल्व करेंगे 0.4771 equals to 0.07 multiply by 0.4343 t into 0.0304 and t equals to 0.4771 upon 0.0304 0.4771 divided by 0.0304।
अप्रोक्सीमेट टाइम इक्वल्स टू क्या है 15.69। तो अप्रोक्सीमेट नियर बाय तो आपके पास आप लगा सकते हैं 16 इयर्स 15 इयर्स, तो 0.5 से वैल्यू ऊपर है तो आप 16 ईयर के नियरेस्ट जा सकते हैं, ठीक है ना। अगर यहां पर आपके पास पे वैल्यू 5 से अबव है तो आप 16 ले लीजिए, अगर ये वैल्यू 5 से बिलो होता तो आप इसको 15 ही रहने देते, तो 16 आपका आंसर है।